प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ग्रुप थ्योरी के ऊपर कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी है ना, और लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर हमने बात किया था। आज हम लोग क्वेश्चन ग्रुप से आगे बढ़ते हुए रिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक, क्या होता है रिंग, क्या है उसका कंसेप्ट, और कुछ टाइप्स ऑफ रिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, ये काफी छोटा लेक्चर होगा स्टूडेंट, जिसमें मैं केवल आपको रिंग के विषय में जानकारी दूंगा और कुछ एग्जांपल्स जो रिंग हैं हमारे आसपास हमारे सेट थ्योरी में उनके विषय में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स रिंग के विषय में बात करते हैं कि रिंग होता है क्या है वास्तव में। ठीक है ना, तो आइए जरा समझते हैं स्टूडेंट्स। रिंग अपने आप में स्टूडेंट्स और कुछ नहीं, एक सेट होता है। जैसे ग्रुप एक सेट होता है, वैसे ही रिंग भी एक सेट होता है। ठीक है ना, तो a set R is said to be ring if number one R plus is a abelian group, number two R dot, dot यानी multiplication, R dot is a semi group, and number three distribution laws satisfy in R instruments। ठीक, ये शॉर्ट में ग्रुप की डेफिनेशन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी सेट ग्रुप होता है या बन सकता है अगर वो सेट प्लस के रिस्पेक्ट में एक एबेलियन ग्रुप हो। अब एबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि प्लस के रिस्पेक्ट में वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जीरो होना चाहिए, वो प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट को रखना चाहिए यानी कि अगर उसमें प्लस टू है तो माइनस टू भी होना चाहिए, प्लस थ्री है तो माइनस थ्री भी होना चाहिए, और कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन भी करना चाहिए यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये पांच प्रॉपर्टी अगर वो प्लस के रिस्पेक्ट में संतुष्ट करता है सेट, तो वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा। अब वही सेट अगर डॉट के रिस्पेक्ट में, गुणा के रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टीज का पालन करे, कौन सी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि दो एलिमेंट्स लें अगर आर के और उनका प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, आर में ही आना चाहिए, यानी कि गुणा यानी कि डॉट के रिस्पेक्ट में वो क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए, और डॉट के ही रिस्पेक्ट में वो एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करे। तो ये दो प्रॉपर्टी गुणा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डॉट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए यानी डॉट के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, एंड नंबर तीन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होल्ड होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप ऐसे समझ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स ए बी प्लस ए सी, दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूशन यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए, और इसी को ही आप ऐसे भी a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी स्टूडेंट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉज जो हैं वो होल्ड होने चाहिए किसमें, r में, मतलब r के एलिमेंट्स इनका पालन करें, मतलब b प्लस सी में अगर a का गुणा करें तो ये इक्वल होना चाहिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी का, उसी तरह से अगर a इंटू बी में c का मल्टीप्लाई करें राइट साइड से तो ये ए सी प्लस बीसी के इक्वल होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉज भी होल्ड होने चाहिए रिंग में स्टूडेंट्स। और बाकी प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप का मतलब आप समझते हैं, डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप का मतलब भी, सॉरी डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप का मतलब भी हमने अभी डिस्कस किया। तो इन तीन प्रॉपर्टीज के साथ में स्टूडेंट्स जो रिंग होता है यानी कि जो सेट होता है उसको हम कहते हैं रिंग, और रिंग को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल। ठीक है ना, हम इस तरह से इसलिए डिनोट करते हैं बिकॉज रिंग में प्लस ऑपरेशन भी होता है और डॉट ऑपरेशन भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये हो गई बच्चों रिंग की डेफिनेशन। मैं यहां पे आपको डिस्क्राइब या
पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिंग की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि ग्रुप के विषय में आप जानते हैं, एबेलियन ग्रुप के विषय में आप जानते हैं, सेमी ग्रुप के विषय में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने आपको यहां पे समझाया। तो ये हो गई रिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब रिंग के कुछ स्पेशल टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको सुनने में अक्सर मिलेंगे। एक होता है स्टूडेंट्स रिंग विथ यूनिटी, ठीक, और दूसरा होता है कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब रिंग विथ यूनिटी का मतलब होता है कि कोई रिंग, रिंग में ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो वो रिंग होगा। तो अगर किसी रिंग में वन एलिमेंट यानी यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट अगर कर जाए, यानी उस रिंग में वो यूनिटी एलिमेंट यानी कि वन अगर है, तो उस एलिमेंट को यानी उस रिंग को हम रिंग विथ यूनिटी कहते हैं। ऐसा रिंग जो यूनिटी के साथ हो वो रिंग विथ यूनिटी, और इस तरह से होना चाहिए कि 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए। तो ये यूनिटी की खासियत होनी चाहिए, और होती है, एक का गुणा आप किसी में करो वही आता है, तो उसे कहते हैं हम रिंग विथ यूनिटी। और एक होता है कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग का मतलब ये होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस एंड डॉट, यानी रिंग के कोई भी दो एलिमेंट ले लें तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी कि डॉट के रिस्पेक्ट में अगर रिंग के एलिमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो उस रिंग को कहा जाता है कम्यूटेटिव रिंग स्टूडेंट्स। तो ये रिंग के कुछ स्पेशल टाइप थे, और भी स्पेशल टाइप के रिंग्स होते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स आज आपको रिंग की एक डेफिनेशन समझाई और रिंग के दो टाइप समझाए, रिंग विथ यूनिटी एंड कम्यूटेटिव रिंग स्टूडेंट्स। अब आइए जरा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाता हूं कि कौन कौन रिंग हो सकते हैं, यानी कि कुछ सेट्स लेते हैं। जैसे एक सेट लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, इट्स अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हमारे पास में एक सेट है, मान लीजिए r इज इक्वल्स टू मान लीजिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। नाउ लुक स्टूडेंट्स, ये जो सेट है r, ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो एक इंटीजर आता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो रियल नंबर्स के सेट होते हैं या इंटीजर्स होते हैं जो या फिर क्या कहते हैं होल नंबर्स होते हैं, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते ही हैं। प्लस इज अ एसोसिएटिव ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए कौन होता है? जीरो, वो इसमें है, और इनवर्स एलिमेंट भी इसमें है, क्योंकि एक का इनवर्स एलिमेंट माइनस एक होता है, क्योंकि दोनों को जोड़ देते हैं तो जीरो आ जाता है, तो वो भी है। और क्रम विनिमय नियम यानी एक प्लस दो बराबर दो प्लस एक तीन होता है, उसी तरह माइनस एक प्लस टू इज इक्वल टू प्लस वन, और माइनस वन प्लस टू या प्लस टू माइनस वन एक ही बात है। तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, और किन्हीं भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करो तो भी एक इंटीजर ही आता है ना, एंड एसोसिएटिव लॉ भी पालन होता है गुणा के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आर है ये रिंग है एक, और सॉरी लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं वो तो होते ही हैं स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि अगर 2 इंटू 3 प्लस 4 आप करेंगे तो इट्स अ 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 7 इंटू 2 यानी कि 14, और ये हो जाएगा 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आसानी से फुलफिल होते हैं इस सेट ऑफ इंटीजर्स में, यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय में। तो ये जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है स्टूडेंट्स, एक रिंग होता है। क्या होता है? इट्स अ रिंग। और ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस वन भी होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये रिंग विथ यूनिटी होता है। क्या होता है? रिंग विथ यूनिटी भी होता है, और साथ में ये जो इंटीजर्स होते हैं वो गुणा के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन भी करते हैं, मतलब कि साथ ही ये कम्यूटेटिव रिंग भी होता है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है एक रिंग होता है, विथ यूनिटी रिंग होता है और कम्यूटेटिव रिंग भी होता है। एग्जाम्पल नंबर टू, मान लीजिए हमारे पास में एक सेट है R, जिसमें केवल 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन,
यानी कि केवल इवन इंटीजर्स हैं विथ जीरो। तो ये जो इवन इंटीजर्स का जो सेट है ये अपने आप में प्लस के रिस्पेक्ट में एक एबेलियन ग्रुप है, लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करेगा। यानी कि ये इवन इंटीजर्स का जो सेट है ये अपने आप में एक रिंग है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें यूनिटी नहीं है, मतलब कि ये रिंग विथ यूनिटी नहीं है लेकिन कम्यूटेटिव रिंग है ये। क्यों? क्योंकि दो इवन इंटीजर्स को अगर आप अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम रिजल्ट्स आएगा। तो इट्स अ रिंग विथ, सॉरी, कम्यूटेटिव रिंग, नॉट अ रिंग विथ यूनिटी। तो आई थिंक आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल और समझ में आया होगा। नंबर तीन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नंबर थ्री एग्जाम्पल, जो रैशनल नंबर का सेट होता है या फिर जो रियल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर्स, ये दोनों भी अपने आप में रिंग, रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग दोनों ही होते हैं, क्योंकि इनमें उन नियमों का पालन भी होता है जो हमने यहां पर डिस्कस किए थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। लेकिन एक और एग्जाम्पल, जो नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये रिंग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस के रिस्पेक्ट में ही अबेलियन ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्लोजर एक्जियम प्लस के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव लॉ प्लस के रिस्पेक्ट में तो सेटिस्फाई होता है, लेकिन प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जीरो। इसलिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ही अबेलियन ग्रुप नहीं होता है, और अगर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप नहीं होगा तो रिंग भी नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट्स जो कि रिंग नहीं था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस छोटे से डिस्कशन में रिंग को समझा, हमने दो टाइप्स के रिंग देखे, रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग, और कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, कुछ सेट्स की मदद से रिंग को समझने की कोशिश करी। हम अपने अगले लेक्चर में रिंग को थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे और डीप में जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो भी रिंग थ्योरी में नए नए टॉपिक्स हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो आप रिंग को इतना प्रिपेयर कर लीजिए और अपनी बुक की मदद से थोड़ा और रिंग को मजबूत कर लीजिए, ठीक है ना। हम धीरे धीरे जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं पहले उनके बेसिक्स क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, यानी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में उनको समझेंगे, एंड देन इसके बाद में जो अंदर के थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स के ऊपर बारी बारी से हम लोग बात करना शुरू कर देंगे। तो अभी आप अपने कंसेप्ट मजबूत करते जाइए और फिर हम लोग थ्योरम्स के ऊपर भी बातचीत करना शुरू करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।